हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चिया ब्लॉग्स चैनल पर। अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और मैं अभी आई हूँ छत में, और देखिए इधर जो गेहूँ हैं वो मैंने फैला दिए हैं, जो कल मैंने धोए थे। और कल गेहूँ मैंने यहाँ पे फैलाए थे, जब मैंने धो दिए थे तो मौसम एकदम से चेंज हो गया था, बादल हो गए थे, तो फिर सारे गेहूँ उठा के फर्स्ट फ्लोर पे रख दिए थे, वहीं पंखे से सूख रहे थे। तो अभी ये गेहूँ ऊपर ला गई थी मैं, यहाँ देखिए फैला दिए। और आज जो धूप है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, तो कपड़े भी मैंने धो लिए थे, तो यहाँ पे मैं ला गई हूँ, इन्हीं को मैं फैला लूँगी। हवा भी चल रही है अभी बहुत तेज यहाँ पर, बस ऐसा लग रहा है कि फिर से मौसम चेंज ना हो जाए। तो अभी आप लोग व्लॉग में मेरे बने रहिए। फिलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, कपड़े मैंने फैला दिए हैं, तो अभी मौसम पता नहीं क्या एकदम से चेंज हो जाए, समझ में नहीं आता, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे धूप आ रही थी तो मैं चक्की डाल देती गई हूँ, मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कभी ये धूप रहती है कभी बादल हो जाते हैं। तो अभी मैंने नाश्ता किया नहीं था, तो यहाँ पे मैं अपने लिए ना पराठा बना रही हूँ, और सब लोगों को मैंने सुबह नाश्ता करा दिया था। तो कद्दू की सब्ज़ी आज मैंने बनाई हुई थी, तो यहाँ पे भी पराठा मैं बना लूँगी। और रौनक को भी मैंने सुबह खिला दिया था, और उसके मैंने टिफ़िन में भी रख दिया था पराठा सब्ज़ी। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो अभी यही मैं खा लूँगी। और यहाँ पे इसको मैं गर्म कर रही थी क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो तब मैंने सोचा इसको गरम कर लेती हूँ। और पराठा भी मैंने बना लिया है, तो ये मेरा नाश्ता है। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और यहाँ पे बर्तन अभी वॉश कर लूँगी, थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन थे वही है, तो इनको मैं अभी वॉश कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे पहले बर्तन वॉश करने के बाद फिर खाना बना लूँगी। और रौनक बोला था कि मम्मा आज खिचड़ी बनाना, उसको जो है खिचड़ी मसाले वाली खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वही मैं आज बनाऊँगी लंच में। और चटनी और रायता मैं बना लेती हूँ हमेशा, जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो चटनी या रायता बनता ही बनता है, ऐसे अच्छी नहीं लगती है, तो वो भी मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैंने खिचड़ी जो है चढ़ा दी है, चावल और दाल को मैंने धो लिया था अच्छे से, और कुकर में चढ़ा दिया था, तो थोड़ा इसमें मैं हल्दी नमक डाल ली थी, और थोड़े मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए थे। तो रौनक भी स्कूल से यहाँ पर आ गया है, और पता नहीं क्या ये स्टिकर था, तो उसी को यहाँ पे मैं चिपकाऊँगा बोल रहा था, तो मैं इसको मना कर रही थी, तो यहीं पर इसके गेट के पास ही आके मस्ती हो रही थी। और आज इसने लंच देखिए फिनिश किया है पूरा अपना, और दिन से छोड़ देता है, और ये जेली लेकर आया है। और मैंने ये खिचड़ी बना ली थी यहाँ पर, और ये जो पुदीने की चटनी है और रायता ये बना लिया था, तो यहाँ पे मैं रौनक को भी खाना खिला रही थी। और आ गई थी अभी यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, जो कल कपड़े मैंने धोए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ तार से उतार लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर आई हूँ छत में, देखिए शाम हो गई है और बादल भी है थोड़े बहुत, और गेहूँ मैंने अभी एक नीचे ले गई थी मैं,
जो एक चादर में डाले हुए थे वो गेहूँ में ले गई थी, नीचे रख दिए मैंने, तो अभी इसको मैं ले जाऊँगी। और कपड़े यहाँ पे आई थी अभी कि सूख गए, सब उठा लेती हूँ तार से। और ये भी आए हुए थे अभी, इन्होंने ऊपर यहाँ पानी दे दिया है, तो आज भी मुझे पानी नहीं देना पड़ा पौधों को, आज इन्होंने ही पानी नहीं दिया है पेड़ों में। तो फ्रेंड्स मैं कपड़े उठा लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग अभी ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए गेहूँ जो है थोड़े सूख गए हैं, क्योंकि मौसम जब आजकल चेंज हो रहा है तो अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। वरना अभी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी रहती थी कि एक या दो ही दिन में गेहूँ सूख इधर अभी जाते। फैला दिया है गेहूँ, क्योंकि फिर मुझे फिर से सुखाना है इसको कल भी, तो अच्छे से सूख जाएगा। तो आटा बहुत ही अच्छा होता है जब गेहूँ अच्छे से सूख जाए, तो मैंने अभी इनको यहीं फैला दिया है और फिर कल यहीं से उठा के मैं इनको जो है ऊपर धूप में डाल दूँगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं है गेहूँ और सुखाने होंगे मुझे। और जो दूसरी चादर के थे वो भी इधर है, तो इनको भी मैं यहाँ पे फैला दूँगी। यहाँ पर जो है पंखा चल रहा है उसी से ये थोड़े बहुत सूख जाएंगे, और फिर जब कल धूप आएगी तो फिर कल धूप में भी मैं इनको डाल दूंगी। ये देखिए जो है ये थोड़े बहुत अभी हल्के हल्के जो है इनमें नमी है, तो अभी ये सूखे नहीं है अच्छे से। जब अच्छे से गेहूं सूख जाता है तो उसका आटा बहुत ही अच्छा निकल के आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है जब अच्छे से गेहूँ सूख जाए, और उनमें घुन भी नहीं जल्दी पड़ता है। तो ये इनको भी मैं कल इनको भी मैं धूप में अच्छे से सुखाऊंगी जब तक इनमें धूप ना लग जाती है। तो इधर मैंने इनको फैला दिया है और इधर पंखा चालू है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर पंखा चल रहा है, तो उसी से थोड़े बहुत सूखते रहेंगे। तो अभी हो गई है शाम और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी हल्का हल्का सा अंधेरा भी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा था। हवा भी चली थी ठंडी ठंडी, क्योंकि दोपहर में तो इतना अच्छा मौसम रहता नहीं है, शाम के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और रौनक जो है वो आगे खड़ा है और ये स्कूटी चला रहे हैं। और अभी हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो है मैंने सोचा थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर जो है मार्केट कैसी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ भी थी तो मुझे मौका नहीं मिला था सूट करने का। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूट कर लिया है, आप लोगों को यहाँ पे मैं दुकानें दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ज़्यादातर चूड़ियाँ चूड़िया कंगन ये सब ज़्यादातर मिलते हैं। और हम लोग भी इधर आ गए हैं, मुझे यहाँ पे अपने लिए बिंदी और जो है सिंदूर ये सब लेना था, तो मैं भी यहाँ आ गई थी। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में, तो रौनक बोला था मम्मा डोसा खाऊंगा, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे जिद कर रहा था, बहुत ज़्यादा मानता नहीं है, तो यहाँ पे ले ही ली थी फिर। और इसको मैंने काफ़ी मना किया था लेकिन फिर भी मान नहीं रहा था, तो फिर थोड़ी सी नॉर्मल थी लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं थी, तो हमने फिर ले ली थी। और यहाँ पे मैं रौनक को डोसा खिला रही हूँ, इनको भी मैं बोल रही थी कि आप भी खा लो, तो ये बोल रहे थे इनका मन नहीं है, और तो रौनक का मन था तो, और ये कुछ खा नहीं रहे थे तो मैंने इनके लिए पाव भाजी मंगा ली थी, तो इनका मन था ही नहीं, तो इनने वो भी आधी मेरे में ही रख दी थी। क्या कर रहे हो? मैं कुछ मना रहा हूँ, मेरा सामान यहाँ पे लगा पिए, ये देखो। हाँ ये रखा है, ये क्या है, इन सब का करोगे क्या? मैं कुछ बनाऊंगा हेलीकॉप्टर टाइप का, फिर उड़ाऊंगा। आटे का हेलीकॉप्टर बनता है? चले जाएगा आसमान पे। घर आते ही रौनक की शैतानियां भी चालू हो गई, आटे का पता नहीं क्या क्या बना रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो बोला था एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और ये ऐसे ही ना कुछ करता ही रहता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।